थाना कचहरी अदालत उनकी शान की जगह हैं, क्योंकि वो बाप दादा से रहते ही वहाँ हैं, तो उनके लिए तो बड़ी मानुसियत है वो। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि ये मुकदमा मौजूद अदालत में है, तो मैं इसके जो सही और गलत का फ़ैसला अदालत को करने दूंगा, क्योंकि मेरे लीडर की जो तलकीन है हम अदालतों का एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्योंकि मीडिया पे दूसरी पार्टी ला रही है, तो मेरी जिम्मेदारी है आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और बाकी फैक्ट्स क्या हैं वो अदालत फैसला कर देगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी, आप सबके सामने आ जाएगा। 29 जून 2020 को एक पावर ऑफ अटॉर्नी अथॉरिटी लेटर, जो भी उसे कहना है, वकला ज़्यादा बेहतर बताएंगे उसका नाम क्या है, वो इस्तंबुल में बनाया जाता है अपने दो एम्प्लॉयज़ के लिए, एक को एजेंट और एक को प्रिंसिपल ऑफिसर उसमें कहा जाता है। उसकी कॉपी जो है वो मेरे पास मौजूद है, मैं अभी वकला से मशवरा करूंगा, है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट, अगर ये इजाज़त देंगे तो वो कॉपी मैं आपको दे देता हूँ, वरना आप अदालत से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अब अदालत में पेश हो चुका है। उस जो 29/6/2020 का वो पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो जनरल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, वहाँ पर कहीं नहीं लिखा गया कि उसके लिए कोई किसी किस्म की कानूनी उसमें मुकदमा किया जा सकता है, किसी किस्म की लिटिगेशन में जाया जा सकता है। वो जनरल बिजनेस करने के लिए, जैसे मेरे ख्याल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, जैसे बैंक का अकाउंट खोलना हो, कोई तजारती मुआहदा करना हो, वो 29/6 को किया गया, जून 29 को। ये जो मेरा प्रोग्राम है, जिसमें मैंने ना तब कंपनी का नाम लिया था, ना पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया, ना आज लूंगा, और इंशाल्लाह ना आइंदा लूंगा, क्योंकि मेरा मकसद कभी भी किसी को टारगेट करना नहीं था। मेरा मकसद हमेशा जो एक्सचेकर का पैसा है, गरीब आवाम का पैसा है, मेरा पैसा है, आपका पैसा है, उसके लिए आवाज़ उठाना था। तो ये प्रोग्राम हुआ 26 सितंबर को। जून मैंने पहले आपको डेट बताई, जिसमें एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या अथॉरिटी है, जिसमें कोई लिटिगेशन की इजाज़त नहीं है, जिसको आप घुमा के बताया जा रहा है, जिसकी कॉपी आपको मुहैया हो सकती है अदालत से, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। 26 सितंबर 2020 को ये प्रोग्राम हुआ। इसके ऊपर 29/9/2020 को मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अगेन मैं गलत हूँ या सही हूँ वो फैसला अदालतों ने करना है, जिसमें मैंने एक मुकदमा दर्ज करवाया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनमें से वो जो 29/9 का लेटर है वो जाली बनाया गया अथोराइजेशन लेटर, क्योंकि उस पर एक गैर मुल्की के जिसके साइन हैं वो उस टाइम पाकिस्तान में था ही नहीं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अदालत, मौजूद अदालत इस पर फैसला कर देगी। 30/9 को एक और इसी तरह का उस लेटर के ऊपर एक लेटर बनाया गया 30/9 को, और फिर ये मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो इस्तगासा दर्ज करवाया गया मेरे खिलाफ, अदालत में जाया गया और क्रिमिनल प्रोसीडिंग की गई, ताकि नॉर्मली आपने सुना होगा पहले ही शायद, नॉर्मली केसेस सिविल कोर्ट्स में जाते हैं ऐसे डेफेमेशन के, ये जानबूझ के क्रिमिनल केसेस में भेजा गया, क्योंकि मैं पंजाब दे विच पेंट कोट पा के फिरदा रहा और सारे नूं पता है अमरीका च पढ़ांदा रहा है, पर इन्हां नूं ये नहीं पता कि मैं 5वीं तक टाट वाले स्कूल ते पढ़े हैं, 5वीं तो 10वीं तक सैकल ते स्कूले जांदा रहा, तो टूरनामेंट वेखण वास्ते बस दे उत्ते चढ़ के जाईदा सी, कदी कदी गन्नियां दी ट्राली दे पिछे वी लमक लईदा सी, ते मैं पिंड दा जट हां, ते जदों जट जफा ला लैण तो फिर जट जाने या बिजू, ये पंजाबी की कहावत है, मैं किसी को बिजू नहीं कह रहा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दिया। सो इनका पर्पज़ ये था, इनके पीछे जो ढीले कानून की पैदाइश, एक पिछले दिनों साफ फरमा रहे थे कि मैं रिलैक्स लॉ की वजह से, मुझे किसी चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट किया था, तो पंजाबी चो ढिले कानून की पैदाइश कहेंगे, सियासी पैदाइश। सो जिनकी सियासी पैदाइश ढीले कानून की वजह से हुई हुई है, वो पीछे बैठ के डोरियां हिला रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की, और इंशाल्लाह सच सबके सामने आएगा और पता चलेगा कि यहाँ पर, मैं इस केस से हटके अब बात सियासी कर रहा हूँ, कि कौन कौन हमजा शहबाज के पैसे यहाँ से इकट्ठे किया करता था। कुछ लोगों को बहुत, उनको बड़ी इस चीज़ का खुशी होती है या बड़ा जोश है
कि उन्होंने अपना कद बड़ा करना है, हालांकि उनके बाप दादा खरीदो फरोख्त का ही काम करते रहे हैं और इवन हमारी बरादरी के लिए उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। हमारी बरादरी ने ज़्यादातर अच्छे काम किए हैं, चौधरी परवेज़ अलाई जैसे लोग यहाँ हैं, चौधरी शुजात जैसे लोग यहाँ हैं जिन्होंने जट्टों के लिए कोई अच्छे कारनामे किए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जब उनका पता चलता है तो हमारी नज़र भी नीचे होती है। कुछ लोगों की मेरा ख्याल उनकी कार्रवाई उनका नाम होती है, इसलिए आपके सवाल पे मैं क्या नाम बताऊं। तो ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था कि ये जो बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये जो 420 का केस करवाया गया ये क्यों करवाया गया, दो वजह से। एक तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था जिसके जाली सिग्नेचर किए गए और वो अदालत फैसला कर देगी उसके ऊपर। दूसरा, एक अथॉरिटी थी नहीं कंपनी की तरफ से कि आप मेरे पे केस करें और मेरे पे एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस किया गया। ये दो वजहों से FIR करवाई गई। और मेरी शायद इंफॉर्मेशन गलत हो, दोबारा मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मैं हतमी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आज ही पता चला है तो मैं सवाल करता हूँ कि वो जिन साहब ने ये मुकदमा किया, क्या उनकी तालीमी काबिलियत सिर्फ मैट्रिक है और उनको एक मुअज्जज़ कंपनी ने मैनेजर ऑपरेशंस लगाया हुआ था? तो ये मेरा सवाल है, तनकीद नहीं है, कि क्या वाकई उनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक है? और अगर मैट्रिक है तो फिर क्या वाकई वो ऑपरेशंस रन करते थे? और अगर वो ऑपरेशंस रन करते थे तो ये कौन से ऑपरेशंस थे जो वो रन करते थे? ये मेरे कुछ सवाल हैं। कंपनी बताए कि मैट्रिक तालीम हमारे यहाँ तो आजकल सरकारी दफ्तरों में चाय पानी लाने के लिए भी बदकिस्मती से नौकरी नहीं दी जाती। कुछ लोगों की मेरा ख्याल उनकी कार्रवाई उनका नाम होती है, इसलिए आपके सवाल पे मैं क्या नाम बताऊं। तो ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था कि ये जो बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये जो 420 का केस करवाया गया ये क्यों करवाया गया, दो वजह से। एक तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था जिसके जाली सिग्नेचर किए गए और वो अदालत फैसला कर देगी उसके ऊपर। दूसरा, एक अथॉरिटी थी नहीं कंपनी की तरफ से कि आप मेरे पे केस करें और मेरे पे एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस किया गया। ये दो वजहों से FIR करवाई गई। और मेरी शायद इंफॉर्मेशन गलत हो, दोबारा मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मैं हतमी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आज ही पता चला है तो मैं सवाल करता हूँ कि वो जिन साहब ने ये मुकदमा किया, क्या उनकी तालीमी काबिलियत सिर्फ मैट्रिक है और उनको एक मुअज्जज़ कंपनी ने मैनेजर ऑपरेशंस लगाया हुआ था? तो ये मेरा सवाल है, तनकीद नहीं है, कि क्या वाकई उनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक है? और अगर मैट्रिक है तो फिर क्या वाकई वो ऑपरेशंस रन करते थे? और अगर वो ऑपरेशंस रन करते थे तो ये कौन से ऑपरेशंस थे जो वो रन करते थे? ये मेरे कुछ सवाल हैं। कंपनी बताए कि मैट्रिक तालीम हमारे यहाँ तो आजकल सरकारी दफ्तरों में चाय पानी लाने के लिए भी बदकिस्मती से नौकरी नहीं दी जाती।